गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर लोनी लोकवानी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज, कोटा। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं। अब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COOH होता है, और इनको हम कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सी दोनों कह सकते हैं। जैसे कार्बोक्सी भी बोला जाता है ग्रुप इसको, और कॉमनली इनको कार्बोक्सिल ग्रुप भी कहा जाता है। COOH जो है ये फंक्शनल ग्रुप होता है। अब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसमें OH ग्रुप जो है सीधे कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं COOH या CO2H। और इसका हम फॉर्मेशन देखें तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप, दो क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से बना होता है। एक तो ये कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड O, और दूसरा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो ये बनता है कार्बोक्सिल ग्रुप। अब आज हम डिस्कस करेंगे इसमें क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, वर्गीकरण और नामकरण। तो पहले हम लेते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब क्लासिफिकेशन जो है इसमें COOH कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या के आधार पर किया जाता है, कितना नंबर प्रेजेंट है कार्बोक्सिल ग्रुप का। जैसे अगर एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, कंटेन वन कार्बोक्सिल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल से CH3COOH इथेनोइक एसिड, इसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। CH2COOH ये है प्रोपेनोइक एसिड, इसमें भी एक ही COOH ग्रुप है, तो ये मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एग्जांपल हैं। अब सेकेंड है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर दो COOH ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उन्हें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहा जाता है। जैसे COOH ये ऑक्सैलिक एसिड है, CH2COOH सक्सेनिक एसिड, CH2COOH ये है मेलोनिक एसिड। तो जहाँ दो COOH ग्रुप्स प्रेजेंट है तो वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसमें कि तीन COOH समूह उपस्थित हो तो उन्हें बोला जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे CH2COOH, CHOHCOOH, CH2COOH ये है सिट्रिक एसिड, इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरह से जो है इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर, नामकरण। जैसा कि आप जानते हैं नोमेनक्लेचर में दो तरह की हम सिस्टम्स लेते हैं, कॉमन सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम। पहले हम लेते हैं कॉमन सिस्टम, सामान्य पद्धति या रूढ़ पद्धति भी कहा जाता है। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स या ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स जिसमें कि छः या इससे कम, सिक्स और लेस, छः या इससे कम कार्बन परमाणु होते हैं, उनको हम जनरल नेम या कॉमन नेम से ही, सामान्य नाम से ही जाना जाता है। और ये जो इनके कॉमन जो नेम्स हैं, इनको हम इनके सोर्सेस, जो स्रोत होते हैं जहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, या उनके कैरेक्टर्स, लक्षणों के आधार पर दिए जाते हैं इनके नाम। तो कॉमन, और दूसरा है कॉमन सिस्टम जो होता है उसमें जो पोजीशन हम देखते हैं तो वो अल्फा, बीटा, गामा, इससे हम देख प्रदर्शित जो है कर सकते हैं। तो जैसे एक इसमें देखेंगे COOH ग्रुप है, इसको जो है हम नामांकित नहीं करेंगे, इसके पास वाला जो कार्बन है वो अल्फा कहलाएगा, इसके नेक्स्ट है वो बीटा कहलाएगा, और इसके नेक्स्ट है गामा। इसी तरह से इनका जो है नामकरण किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे CH3CH2CHBr CH2COOH। अब ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसके पास वाला कार्बन है तो ये अल्फा हो जाएगा, फिर बीटा, देन गामा, डेल्टा। अब बीटा पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप है तो इसका नाम हो जाएगा बीटा ब्रोमो वैलेरिक एसिड। ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल देखेंगे CH3CH2CHCl CH2CH2COOH।
अब यहाँ पर गामा पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा गामा क्लोरो कैप्रोइक एसिड। तो इस तरह से इनका जो है नामकरण किया जाता है कॉमन सिस्टम सामान्य पद्धति में। अब हम ये टेबल दी हुई है, इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि उनके जनरल नेम है और यहाँ सोर्सेस दिए गए। फर्स्ट इज HCOOH, ये है फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम। सोर्स है फॉर्मिका, मीन्स चीटी से प्राप्त किया जाता है। सेकेंड इज CH3COOH, एसिटिक एसिड, एसिटम मीन्स विनेगार, सिरका। थर्ड इज CH3CH2COOH, तीन कार्बन एटम है तो प्रोप्योनिक एसिड। प्रो मीन्स फर्स्ट, पियोन मीन्स फैट, तो यहाँ से जो है इसको प्रथम और वसा, ये इसका सोर्स है। CH3CH2CH2COOH ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरियम मीन्स बटर, बटर इसका सोर्स है। CH3CH2CH2COOH वैलेरिक एसिड, रूट्स ऑफ वैलेरियाना ऑफिशिनेल्स प्लांट, ये प्लांट है वैलेरियन पौधे की जड़, इसकी जो है स्रोत या सोर्स है। नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3CH2CH2CH2COOH कैप्रोइक एसिड। केपर मिल्क मीन्स गोट मिल्क ऑर्डर, मीन्स जो बकरी का दूध है उसकी जैसी गंध होती है, तो इसको कैरेक्टर के आधार पर इसको नाम दिया गया है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कॉमन सिस्टम के अंतर्गत कार्बोक्सिलिक अम्लों के। अब नेक्स्ट है दूसरा जो सिस्टम है नामकरण का, IUPAC सिस्टम। उसके अकॉर्डिंग हम कैसे नॉमिनेचर देते हैं उसको अब हम देखेंगे। अब IUPAC जो पद्धति है उसके अनुसार जो है एल्किल कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उनके जो नाम होता है उसमें उसको दिया जाता है एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड मीन्स जैसे जो भी एल्केन है, करस्पॉन्डिंग एल्केन जो भी पाया जाता है उसमें ई को हटाकर OIC लिखा जाता है। द टर्मिनल ई ऑफ द करस्पॉन्डिंग एल्केन इज रिप्लेस बाय ओइक एसिड, तो OIC लगा दिया जाता है, तो IUPAC में उसका नाम एल्केनोइक एसिड हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से देखेंगे एल्केन माइनस ई एल्केनोइक एसिड, तो CH3CH2CH2COOH ब्यूटेनोइक एसिड है, चार कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो ब्यूटेन का डेरिवेटिव है, तो ब्यूटेन में से ई हटा के OIC लगा दिया तो ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। CH3CH2COOH तीन कार्बन एटम है, प्रोपेन डेरिवेटिव है ये, तो प्रोपेन में से ई हटा के OIC लगा दिया गया यहाँ, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरह से जो है ये IUPAC में इनका नामकरण दिया जाता है। अब जैसे सेकेंड पॉइंट है कि पोजीशन जो होती है सब्स्टिट्यूएंट की उसको हम कैसे देखेंगे, ये भी एग्जांपल से हमें समझ आएगा। जैसे यहाँ CH3CH2CHBrCH2COOH, अब यहाँ पे जो है ये थ्री पोजीशन पे ब्रोमीन है, ब्रोमो ग्रुप है, तो इसका नाम और कार्बन एटम कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो पेंटेन का डेरिवेटिव है, तो इसका नाम हो जाएगा 3-bromo-pentanoic एसिड। तो सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन देख के और फिर उसका नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे जो ग्रुप COOH जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो उसकी नंबरिंग 1 से करते हैं। CH3CH CH3CH2CH2COOH, अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो ये 5 नंबर पे मेथिल ग्रुप है CH3, तो और डेरिवेटिव कितने 6 कार्बन है इसका, 6 कार्बन का डेरिवेटिव है, तो हेक्सेन का डेरिवेटिव हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा 5-methylhexanoic एसिड। क्लियर हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे CH3CHOHCOOH, अब सेकेंड पोजीशन पे OH हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है और तीन कार्बन एटम है, तो प्रोपेन का डेरिवेटिव है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-hydroxypropanoic एसिड, और वैसे इसे
लैक्टिक एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल ओ एच। सेकेंड पोजिशन पे सी डबल बॉन्ड ओ है, ऑक्सो ग्रुप है, तो इसे बोला जाएगा 2-ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड, इसे पाइरूविक एसिड भी बोला जाता है। तो ये एग्जांपल्स कुछ, और आगे हम देखेंगे अगर इसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड जो है चेन में प्रेजेंट है, तो उसमें अगर डबल बॉन्ड है तो उससे इनोइक एसिड और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई लगा के NOIC आइनोइक एसिड नाम दिया जाता है। जैसे एग्जांपल से हम देखेंगे CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल OH, चार कार्बन एटम है, ब्यूटेन का डेरिवेटिव है, ब्यूटीन हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, और ये सेकेंड पोजीशन, ये वन नंबर है, ये सेकेंड है, सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो पहले टू लिखेंगे, टू ब्यूटीनोइक एसिड TENOIC लगाएंगे, इनोइक एसिड, जिसे वैसे जनरल क्रोटोनिक एसिड क्रोटोनिक अम्ल भी कहा जाता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CC OH, तो सेकेंड कार्बन पे है, ये फर्स्ट होगा, तो इसे प्रोपीनोइक एसिड कहा जाएगा, YNOIC लगाया जाएगा। तो इस तरह से डबल और ट्रिपल बॉन्ड को नामकरण इस तरह किया जाता है। अब अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में, तो उन्हें डाईओइक एसिड से नॉमेनक्लेचर उसका किया जाता है, जैसे COOH CH2 CH2 COOH। तो यहाँ पे चार कार्बन एटम है, तो ब्यूटेन डेरिवेटिव हो गया, तो ब्यूटेन डाईओइक एसिड कहा जाता है। अब इसमें जो ई है रहता है, पहले ई हटा के जैसे हम लगा देते हटा देते थे और नामकरण करते थे, तो इसमें जो है ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन डाईओइक एसिड या ऐसे सक्सेनिक एसिड भी कहा जाता है, ई प्रेजेंट होता है इस स्पेलिंग में इसके। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे COOH CH2 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 COOH। अब कार्बन कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन का डेरिवेटिव है, तो और एसिड फंक्शनल ग्रुप दो प्रेजेंट है, COOH एक इधर है, इधर दो, एक इधर है COOH, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन डाईओइक एसिड, इसे एडिपिक एसिड या एडिपिक अम्ल भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे जब COOH ग्रुप किसी साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ा हो, तो उसके नॉमेनक्लेचर के लिए साइक्लिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक अम्ल सफिक्स के रूप में जोड़ते हैं। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझेंगे, यहाँ पे COOH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है साइक्लिक कंपाउंड में, उसको नंबर वन देंगे उस कार्बन को, फिर 2 3 4 5 6, और उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे 3 पोजीशन पे BR जुड़ा हुआ है ब्रोमो ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 3-bromo cyclohexane कार्बोक्सिलिक एसिड, 3-bromo cyclohexane कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें भी आपने देखा ई को हमने रखा हुआ है, ई को नहीं हटाया, तो इसमें ई जो है रिटेन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, अभी 5-membered रिंग है और यहाँ COOH ग्रुप इस कार्बन पे है, तो इसकी नंबरिंग यहाँ सेट करेंगे 1 2 3, 3 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप है, 4 एंड 5, तो इसका नाम हो जाएगा 3-methyl cyclopentane कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर हो गया। तो इस तरह इसका नामकरण किया जाता है। इसके बाद अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, एरोमेटिक जो है कार्बोक्सिलिक समूहों का नामकरण किया जाए, तो उसमें COOH एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है, और जिस कार्बन से जुड़ा होता है रिंग में, उसको जैसे पहले बताया था नंबरिंग करते हैं 1, जैसे यह एग्जांपल है, ये वाला जो पोजीशन है ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, फिर ये 2 3 4 5 6। अब एरोमेटिक ग्रुप में आप जानते हैं कि किस तरह से नॉमेनक्लेचर होता है, और 2 और 6 जो पोजीशन है वो हमेशा ऑर्थो कहलाती हैं,
थ्री और फाइव वाली जो पोजीशन है वो मेटा कहलाती है, और फोर वाली जो है ये पैरा कहलाती है। तो इसका नाम जो है बेंजोइक एसिड है। पर अगर इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि इस एग्जांपल में दिख रहा है, यहाँ सी डब्लू एच ग्रुप है और यहाँ पर एनओ टू ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सी डब्लू एच जहाँ जुड़ा है ये नंबर वन होगा। वन टू थ्री, थ्री पोजिशन कौन सी है? मेटा। तो इसका नाम हो जाएगा, और नाइट्रो ग्रुप है, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम होगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब अगर एक से ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं, इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स अदर देन सी डब्ल्यू एच ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द रिंग, दे आर इंडिकेटेड विथ पोजिशन। जैसे यहाँ पे सी डब्ल्यू एच तो ये नंबर वन हो जाएगा, फिर टू पे यहाँ एनओ टू जुड़ा हुआ है, टू पोजिशन कौन सी है? ऑर्थो। फिर थ्री फोर पे एनओ टू जुड़ा हुआ है, थ्री पोजिशन है पैरा, और नंबरिंग करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो इसका नाम हो जाएगा टू फोर डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, टू फोर डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स में उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनको नामकरण किया जाता है, जैसे ऑर्थो मेटा एंड पेरा। तो ये आप जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसमें देखेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है नॉमेनक्लेचर क्लियर होता जाएगा। थैंक यू।